अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? ठीक ओके जी, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? सर। ओके गुड। अच्छा, अच्छा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, वो बेसिकली एक्सेप्शंस कुछ भी नहीं होता, वो एक क्लास होती है, ठीक है, जावा की बनी बनाई। जिस तरह की एक्सेप्शन आती है, जावा अपनी उस क्लास में फॉरवर्ड कर देता है, वो एक प्रॉपर आपको मैसेज दे देता है कि ये भाई मसला आ गया, ठीक है। अब देखो, सिंपल मैं आपको एक टास्क करवाता हूँ। किस तरह मैं बना रहा हूँ एक इंटीजर ए इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, और मैं इसको सिस आउट करता हूँ ए को, ठीक है। इसको मैंने देखिए जी, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 8 main, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई है और इसने अपनी इस एक्सेप्शन की क्लास को कॉल की है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास है, ठीक है, और बाय 0 8 main मेथड ये वो कुछ। अच्छा, अब सबसे पहले जब मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है, एक्सेप्शन क्लासेस, इमेजेस में आ जाते हैं। देखो जी, इस पे पहले इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ को फिल करते हैं। सबसे पहले आप इस इमेज में देख सकते हो कि जावा डॉट लैंग, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, जावा डॉट लैंग पैकेज, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, सबसे बड़ी क्लास, फादर क्लास, सुपर क्लास, उसके एक्सटेंड करती है थ्रोएबल, थ्रोएबल एक्सटेंड, थ्रोएबल को एक्सटेंड दो क्लासेस करती हैं, एक एरर्स एक एक्सेप्शंस, उसको एक्सटेंड करती है रन टाइम एक्सेप्शन, अदर एक्सेप्शन, ठीक है। अब लेट से यहाँ पर आ जाओ, एक्सेप्शन के बाद चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आयो, ठीक है, एक और इमेज ले लेते हैं जो ज्यादा काम की हो, ये एक्सेप्शन। ये देखो जी, इस एक्सेप्शन को क्या क्या एक्सटेंड करते हैं, आयो एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, नो सच मेथड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। इस रन टाइम एक्सेप्शन को कौन सी क्लासेज एक्सटेंड करती हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको अपनी जगह छोड़ दो, लेट्स से अगर मैं ये बोलता हूँ एसटी इक्वल्स टू नल और मैं ऐसा आउट करता हूँ, तो क्या ये मेरे ख्याल से आ जाएगा, ये यहाँ एरर नहीं देता, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है कहीं किसी और जगह पर आ जाता है। हाँ सही है, ठीक है, एक काम करते हैं, एरे बनाते हैं, स्ट्रिंग एसटी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया 3 और मैंने इसको एस आउट किया एसटी का 5, ठीक है जी। देखो जी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये कहाँ से आ रही है हमारे पास, ये रही एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये एक्सटेंड करती है रन टाइम एक्सेप्शन को, इसको एक्सटेंड करता है एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। अच्छा, अब देखो, लेट से मुझे नहीं पता कि जो मैं कोड लिख रहा हूँ रन टाइम पे, उस पर कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, आयो एक्सेप्शन आ सकती है, ये सब आ सकती है, कोई भी एक आ सकती है। तो अब दो तरीके, या तो मैं इन सबको बैठ के हैंडल करूँ, या तो सिर्फ मैं इससे काम लूँ, एक्सेप्शन एक्सेप्शन से अगर काम लूंगा तो कोई भी एक्सेप्शन इनमें से आएगी तो इसके पास जरूर जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको अगर लेके चलूँ एक्सेप्शन क्लास को, बाकी सबको छोड़ दूँ जब मैं चीजों को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो किस तरह से, देखो चीजों को आप हैंडल किस तरह करते हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि आप जो है यूजर को इस तरह के लाल लाल चीजें ना दिखाओ ताकि यूजर परेशान ना हो जाए, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन मैं समझ सकता हूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, लेकिन जब यूजर को आप इस तरह दिखाओगे वो बोलेगा यार ये क्या घटिया प्रोग्राम है, ये एरर फेंक रहा है, उसको पता लगेगा ये एरर फेंक रहा है, ठीक है। अब
उसी एरर को हमने इस तरह कन्वर्ट करके यूजर को दिखाना है कि उसको लगे कि ये एरर नहीं है, ठीक है। किस तरह, देखो जी, मैं यहाँ पर जे ऑप्शन पेन लेता हूँ, ठीक है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, इसके अंदर सॉरी मैं इनपुट डायलॉग देना है, शो इनपुट डायलॉग, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बोलता हूँ इंटर नंबर, ठीक है। अब वो जो मुझे नंबर दे रहा है, ठीक है, वो फर्स्ट नंबर हो गया, लेट्स से इंट ए इक्वल्स टू, अब ये इंट थोड़ी लेगा, स्ट्रिंग नम वन इक्वल्स टू, अब उसको इंटीजर में वापस कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट नम वन, ये हो गया कन्वर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक मसला बताता हूँ आप, ये हो गया नम वन, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, अब मैं इसको दे रहा हूँ ए ए, देखो जावा डॉट लेंग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग ए, अब ये बोल रहा है ए ए यहाँ तक तो आ गया, इसको मैं इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूँ। स्ट्रिंग का नंबर इंटीजर में जब आप कन्वर्ट करते हो तो वो नंबर ही होना चाहिए, लेट से 22 इज अ नंबर, ये कन्वर्ट हो सकता है। इशू आ रहा है सर, क्या कह रहे हो आप? हेलो, आवाज ठीक नहीं आ रही सर। ओके, अब किसी को भी ठीक नहीं आ रही? अब ठीक आ रही है सर, अब ठीक आ रही है सर। ठीक है, गुड है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लेट से ये मैंने एक इनपुट दिया है यूजर से, ठीक है। अब इनपुट जब ये जे ऑप्शन पेन है, ये स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको नंबर में इस तरह कन्वर्ट करूंगा, राइट, ये तो हमें पता है, सही है, ओके, यस सर। ठीक है, अब देखो लेट से मैं इंटीजर यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ 22, तो ये तो सही है, कोई इशू नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ए ए, अब ये जो है इसने एक्सेप्शन दे दी कि भाई नंबर कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये ए ए कोई नंबर ही नहीं है, इसको मैं इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूँ, ये आ गया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। अब इस तरह का काम अगर मैं यूजर को दिखाऊंगा तो यूजर तो बोलेगा भाई ये क्या मतलब, ये तो अजीब ही आपने वो रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, ये हमारा प्रोग्राम फट गया आप यूं समझ लो, इसके आगे अगर जो कुछ भी होगा ना वो कुछ भी नहीं चलेगा। देखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया नंबर टू, और यहाँ पर मैंने दिया बी, और इसको बोला कि भाई आप, ठीक है, अब नंबर वन को कर दिया आपने नंबर टू, ठीक है। अब लेट से आप जो है पहला नंबर सही इनपुट कर रहे हो, ठीक है, तो ये आगे प्रोग्राम बढ़ रहा है नंबर टू के लिए पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर आपने प्रोग्राम चलाया एक, ठीक है, उसके अंदर आपने इस तरह का काम किया, ये देखो ये फट गया प्रोग्राम, आपकी एप्लीकेशन वहीं पे ही रुक गई और जावा की क्लास कॉल हो गई और आपका प्रोग्राम फट गया। अब इस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है, इस चीज़ को हैंडल करना है। अब किस तरह से इसको हैंडल करोगे आप, देखो सबसे पहले एक आपने मेथड बनाया, लेट से एक और क्लास में सर आपका नेट इशू कर रहा है, ओके लेट मी कनेक्ट इट विद द मोबाइल डेटा, ओके, सो गाइस कैन यू हियर मी नाउ? जी सर, अब क्लियर है कुछ? जी सर, आप क्लियर आवाज आ रही है। चले, गुड है, क्लियर। हाँ, वो मैंने अपनी वाईफाई को डिस्कनेक्ट करके मोबाइल से कनेक्ट कर लिया जो फोन के लिए, ठीक है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लेट से यहाँ पर एरर आ गया ना, तो आपका प्रोग्राम पूरा रुक जाता है, ठीक है।
ये फट गया और यहाँ पर इसने एक्सेप्शन दिखा दी और ये आगे चला ही नहीं गया, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा ये हुआ कि ये अजीब तरह का ये आ गया, ये इसको चीज को मैं समझ सकता हूँ लेकिन जो नॉर्मल यूजर होगा वो नहीं समझ सकता, उसको कोई अच्छे तरीके वाला मैसेज दिखाना होता है, ऐसा ही है, ठीक है जी सर। अच्छा, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो तरीके होते हैं, दो तीन तरीके होते हैं। अब उसमें से जो सबसे यूजफुल तरीका होता है वो होता है ट्राई कैच का, ठीक है। अब ये ट्राई कैच का तरीका क्या करता है बेसिकली, कि ये बोलता है कि ऐसा कोड जिसके अंदर आपकी एक्सेप्शन आ सकती है वो वाला कोड ट्राई के अंदर डालो और कैच बना के दे दो मुझे, और उसके अंदर जो आप मैसेज डालना चाहोगे वो मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ये वाला आ रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कोई और एक्सेप्शन भी आ सकती है, तो इससे बेहतर है कि हम इंडिविजुअल एक्सेप्शन उठाएं, हम उठाएंगे एक्सेप्शन फुल क्लास। अब कोई भी एक्सेप्शन आएगी वो सब यहाँ से हैंडल कर सकेगा कैच, अदरवाइज मैंने अगर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन लगा दिया और इसके अंदर दूसरी एक्सेप्शन आ गई तो वो उसको कैच उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये आ गया एक्सेप्शन ई एक्स। अब यहाँ मैं सिस आउट करता हूँ कि रॉन्ग इनपुट इंटर, ठीक है। इस तरह का मैसेज मैं यूजर को दिखाऊंगा, जरा फजीलत का शराफत का मैसेज लगेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे नंबर मांग रहा है, ये मैं डबल डब्ल्यू दे दिया, देखो जी रॉन्ग इनपुट इंटर। अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और ये फटाफटा कोड भी नहीं लग रहा, ऐसा ही है या नहीं है आप मुझे बताओ। देख जी सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी चीज को हम जो है थोड़ा सा एडवांस तरीके से करते हैं कि भाई लेट से अगर यूजर ने गलत इनपुट दे दी तो उसको जरा हम दोबारा बोले कि भाई इनपुट दोबारा दो, सही है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक अलग से क्लास बनाते हैं, ठीक है। इस क्लास का नाम लिखते हैं यूजर इनपुट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब एक मैं मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड यूजर पब्लिक वॉइड इनपुट्स, अच्छा जी। अब देखो इसी कोड को, सिर्फ इस कोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब क्या हुआ कि सेम हो गया काम, वही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ यूजर इनपुट इक्वल्स टू न्यू यूजर इनपुट्स, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यूजर इनपुट्स डॉट इनपुट्स, ठीक है। अब इसने वही वाला कोड मेरा कॉल किया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसमें एंट्री करता हूँ आर आर, ये मेरा वही फटना शुरू हो जाएगा। अब मुझे किस तरह हैंडल करना है, लेट से आप चाह रहे हो कि मैं इस चीज़ को यहाँ हैंडल नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ को यहाँ हैंडल करना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ हैंडल करना चाह रहे हो डायरेक्ट तो ट्राई कैच लगा सकते हो इसके अंदर, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र को बोलूँ कि भाई अगर उसने गलत दिया हुआ है तो वही ये मेथड दोबारा मैं कॉल करूँ और उसके अलावा वही इनपुट दोबारा लेना स्टार्ट करें। तो उसके लिए आप क्या करते हो, थ्रोज एक्सेप्शन लगाते हो यहाँ। थ्रोज एक्सेप्शन पता है क्या करता है, थ्रोज एक्सेप्शन ये काम करता है कि जो भी कोई भी क्लास इस मेथड को कॉल करेगी तो उसको चाहिए होगा कि वो इसको हैंडल करे। अभी जो है इसको नहीं पता लग रहा कि कोई इसमें एक्सेप्शन आ सकती है या एरर आ सकता है या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता लग रहा। जब आप यहाँ पर लिखोगे थ्रोज एक्सेप्शन तो ये आपने इसको ये बता दिया कि ये वाला जो मेथड है ना इसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है और जो भी बंदा इस मेथड को कॉल करे कहीं भी किसी भी दूसरे क्लास से तो वो जरा इसको हैंडल करे, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लिसिटली उसको बताते हो कि भाई इसको हैंडल करना है। अब जैसे मैं मेन में जाऊंगा, मेरे पास ये एक देखो एरर शो हो रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन java.lang.exception, ठीक है। अब इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया, मैंने ट्राई लिखा, इस ट्राई के अंदर मैंने मेथड कॉल किया कैच
कैच के अंदर मैंने लिखा एक्सेप्शन ईएक्स, ठीक है, और उसके अंदर मैंने जो है सिस आउट किया रॉन्ग इनपुट इंटर। उसके बाद मैंने जो है यही मेथड दोबारा कॉल कर दी। अब इसमें जरा ये देखना आप कि ट्राई कब कॉल होता है और कैच कब कॉल होता है। देखें, अब इसने यहाँ पर दोबारा दे दिया क्योंकि ये कैच के अंदर आके फिर अनहैंडल्ड जो है जब दोबारा इस यही कॉल होगा तो ये कहेगा कि भाई ये फिर अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस यहाँ पर आ रही, तो इसको एक मिनट के लिए बिठा देते हैं। अभी हम पहले इस चीज को समझते हैं कि जो ट्राई है वो कब चलता है, कैच है वो कब चलता है। देखो, ये जो ट्राई है ना, ट्राई के अंदर आप जो भी जितना भी कोड लिखते हो, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन पे सब कुछ जो भी कोड लिखते हो वो सारा अगर सही चलता हुआ आएगा तो कैच कभी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ट्राई के अंदर जो भी आपने कोड लिखा है ट्राई की ब्रैकेट्स के अंदर उसमें कहीं भी एक्सेप्शन आ गई तो आपका कैच चलेगा, वहीं पर प्रोग्राम रुक जाएगा और आपका कैच चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हेलो गाइस, यस सर, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं, देखो मैंने यहाँ दिया 22, यहाँ दिया 33, देखो कुछ भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मैंने डबल ई दे दिया, ये देखो रॉन्ग इनपुट इंटर, और वो प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ा, ठीक है। अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं और इसी मेथड को मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा कॉल करूँ, ठीक है। अब कैच के अंदर मैं नेस्टेड ट्राई कैच लगाऊंगा और जब भी एक मरतबा कैच चलेगा तो मैं इसको बोलूंगा भाई यही मेथड दोबारा कॉल कर लो, ठीक है। कैच एक्सेप्शन, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका ये है कि ये जो हमने मेथड बनाया हुआ है इसको जो है यहाँ पर ट्राई कैच लगा के हम सेम मेथड को दोबारा कॉल करें। किस तरह से? ये हटाओ, यहां लगाओ ट्राई कैच, ट्राई एक्सेप्शन ईएक्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप यहां पर इनपुट्स को दोबारा कॉल कर दो, ठीक है, और ये आप सिस आउट भी लिखो क्योंकि आपने वहां थ्रोज एक्सेप्शन नहीं लगाया, तो थ्रोज एक्सेप्शन जो है वो वहां पर बार बार जो है ना आपको तंग नहीं करेगा और आपने अपना कोड यहाँ लिख दिया। अब क्या हुआ कि जब भी एरर आएगा ये चलने के बाद ये मेथड खुद को खुद ही कॉल करेगा, और फिर अगर एरर आएगा फिर चलने के बाद खुद ही खुद को कॉल करेगा, और ये जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आप सही मेथड परफॉर्म नहीं कर देते। अब इसके अंदर आप यहाँ पर आ गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने लिखा यहाँ पर यूजर इनपुट्स डॉट इनपुट्स, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर पूरा हैंडल्ड है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये कोई भी आपको एरर वगैरह नहीं देगा और ये प्रॉपरली चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें जरा इसको, मैंने एंट्री दी 33 44, कुछ भी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, सब प्रॉपर चल रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ, मैंने W दे दिया, यहाँ देखो इंटर रॉन्ग इनपुट, अगेन इंटर नंबर 1 बोल रहा है। फिर मैंने इसको सही इनपुट दिया, यहाँ पर मैंने गलत इनपुट दे दिया, फिर देखो बोल रहा है रॉन्ग इनपुट, इंटर नंबर 1, फिर मैंने कैंसिल, फिर बोल रहा है रॉन्ग इनपुट, फिर कैंसिल किया, फिर रॉन्ग इनपुट। अब ये जब तक मुझे तंग करता रहेगा जब तक मैं इसको सही इनपुट नहीं देता, ठीक है। और ये क्या हुआ कि आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो गई, उसके अलावा आपने यूजर को ये मौका ही नहीं दिया कि वो गलत सलत इनपुट कर सके। अब मैंने यहाँ 77 दिया और यहाँ 34 दिया, चलना बंद हो गया, ठीक है। तो ये मेथड जो है ये खुद को ही कॉल कर रहा है, एक चीज। दूसरी चीज कि आपने एक्सेप्शन हैंडल की किस तरह कि अब आपका कोड फटाफटा नहीं लग रहा, आपकी चीजें मुसलसल चल रही हैं और आप अपनी चीजों को दोबारा शुरू से कॉल कर रहे हो, दोबारा रिपीट कर रहे हो अगर उन्हीं चीजों में कोई मसला आ रहा है, ठीक है। अब लेट से यहाँ पर एक काम करते हैं, अब ये दूसरा मेथड बनाता हूँ मैं यहाँ पर,
ये यहाँ पर खत्म हो रहा है मेथड, ठीक है, यहाँ खत्म हो रहा है। अब मैं इसमें बनाता हूँ पब्लिक void div, ठीक है जी। अब इस div का मैंने मेथड बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैं लूंगा इंटीजर ए, इंटीजर इंटीजर ए और इंटीजर, ठीक है। अब ये हो गया डिफरेंट मेथड। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एस आउट करूँगा ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है जी, सिंपल, कोई भी मसला नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ से मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, यहाँ से मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, इस मेथड का नाम क्या है, डिव। डिव के अंदर मैं ए और बी को पास कर दूँगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, इसको चलाते हैं। मैंने जो है 3 इनपुट दी और मैंने जो है 0 इनपुट दी, रॉन्ग इनपुट एंटर हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 3 कुछ भी नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि ये वाला जो है ना div मेथड, इसके अंदर एरर आ गया था, क्योंकि कैन नॉट डिवाइड बाय 0 होता है, तो वो एक्सेप्शन ने हैंडल कर दिया। किस तरह, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ना, ये इस ट्राई के अंदर कॉल हुआ है, यहाँ सही है, इस ट्राई के अंदर कॉल हुआ है। अब इसी को ही मैं क्या करता हूँ कि इससे यहाँ से हटा के ये केज के बाहर इसी मेथड के अंदर यहाँ पर लगाता हूँ, लेकिन ए और बी जो है यहाँ से नहीं जाएंगे, मुझे इसको इस तरह करना पड़ेगा, इंटीजर ए और बी यहाँ पर जो है ए, और अब इसको नज़र आ सकते हैं, ठीक है, और वेरिएबल ए इसको अभी 0 करते हैं। ठीक है, ए और बी 0 हो गए, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो इसको चला के, थ्री और 0, अब देखो एरर आ गया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाय 0, क्यों, क्योंकि ये ट्राई और केज से बाहर मैंने कॉल किया और इस मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हुई हुई, राइट। तो अब इसको भी हैंडल करने के दो तरीके, या तो इस मेथड को हमेशा हम ट्राई केज के अंदर लगाएं जो दूसरा मेथड इसको कॉल कर रहा है, या हम इसमें ट्राई केज लगा के इसको हैंडल करें, ठीक है, ट्राई केज, ठीक है, एक्सेप्शन ईएक्स। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर, अब मुझे पता है कि यूजर ने इनपुट तो सही दिया है, ये भी नंबर दिया है, ये भी नंबर दिया है, लेकिन मसला क्या किया हुआ है कि इसने जो नंबर दिया है वो गलत दिया, राइट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर ट्राई के अंदर तो सिंपल सिस आउट करते हैं, और अगर केच आ रहा है तो इसके अंदर सिस आउट क्या करूँगा मैं, कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, और यहाँ पर मैंने न्यू लाइन में बोला के प्लीज ट्राई अगेन, और मैंने सेम मेथड दोबारा कॉल किया, कौन सा वाला, ये वाला इनपुट्स वाला। ये हो गई प्रॉपर हैंडलिंग चीजों की। अब देखो जी, इंटर नंबर 1 3, अगर मैं W लिखता हूं यहां, देखो रॉन्ग इनपुट, ठीक है, अब मैंने यहां 3 लिखा और 0 लिखा, अब देखो कैन नॉट डिवाइड बाय 0, प्लीज ट्राई अगेन। अब ये कहाँ से हैंडल हुआ, ये नीचे वाले डिव मेथड से हैंडल हुआ, और उसने वापस इस मेथड को दोबारा कॉल किया, अब मैंने दिया 3 और दिया 1, क्या हुआ, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, दोबारा से क्या हो गया, इंटर नंबर 1 मैंने दे दिया 44, हाँ सही है, ठीक है, 11 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, कहने का मकसद ये कि इसमें जब भी एरर आएगा इसको ये खुद हैंडल करके और ये वापस यहाँ पर। अब लेट से अगर मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता, अब जो है इनपुट्स के मेथड को यहाँ मेन से कॉल कर रहा हूँ, और इनपुट का मेथड डिव को कॉल कर रहा है, और डिव का मेथड वापस इनपुट्स को कॉल कर रहा है, अगर मसला हो रहा है, अगर मैं ये एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा होता तो मसला क्या होता, पहली मरतबा मेरा प्रोजेक्ट फट जाता और वो चलना बंद हो जाता, और यहाँ पर यूज़र को एरर दिख जाता, और यूज़र बोलता बिल्कुल ही बेकार प्रोग्राम है, क्योंकि यूज़र को यूं समझा करें कि जो यूज़र होता है वो बिल्कुल बेवकूफ़ होता है, वो कुछ भी इंटर कर सकता है,
तो जो हैंडलिंग होती है ना वो प्रोग्रामर को प्रॉपरली करनी पड़ती है कि भाई यूजर की तरफ से कुछ भी आ सकता है, मुझे उसको प्रॉपरली हैंडल करना है। अब देखो यहाँ पर ये पहले उसने इंटर रॉन्ग इनपुट किया, फिर उसने जो है ऐसा नंबर दिया जो डिवाइड बाय जीरो हो रहा था, तो एरर्स आ रहा था कि भाई डिवाइड जीरो से नहीं हो सकता। फिर प्रॉपर जो है मैंने नंबर दिया तो उसने प्रॉपर एग्जांपल करके दिखाया, और जब तक मेरा प्रोग्राम रिपीट होता रहा जब तक उसने प्रॉपर इनपुट नहीं दी और प्रॉपर आउटपुट नहीं आया। सही है, इससे ये हुआ कि लेट से आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ गया कहीं पे, तो आप क्या करोगे, उसको पूरा प्रोग्राम तो नहीं फाड़ दोगे, आप क्या करोगे ट्राई करते रहोगे। एक मरतबा आ गया तो एरर आपके पास आ जाता है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी मिसमैच या डेटाबेस कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड, यू वांट टू कनेक्ट प्लीज ट्राई अगेन। फिर ओके किया, फिर वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर मसला आएगा, फिर वहीं आ जाएगा। तो होता क्या है एक्सेप्शन के अंदर कि आपका प्रोग्राम चलता रहता है, आपका प्रोग्राम चलता रहता है और आपका प्रोग्राम फटता नहीं है, आपका प्रोग्राम वहीं पर रुक नहीं जाता, वो चीज़ों को रिट्राई कर सकता है, वो चीज़ों को रिट्राई करवा सकता है, और इससे यूजर की जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ये सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का फायदा मैंने अभी अभी आपके सामने करके दिखाया, और आपको इसी छोटी प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के कितने फायदे। राइट, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर मैंने एक एग्जांपल देखी थी, उसमें फाइनली में जो था ना जो सेकंड कोड होता है ना वो फाइनली में यूज कर रहा था। हाँ, फाइनली ब्लॉक बिल्कुल रहता है, फाइनली जब मैं पढ़ाता हूँ अभी तो फाइनली में ये होता है कि वो हमेशा रन होता है। सही है, तो वो हमेशा रन होने वाला काम जो है वो हम फाइनली में करते हैं, उसका एग्जांपल भी मैं करवाता हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है आपको इट डिपेंड्स के आप कौन सा मेथड कहाँ कॉल कर रहे हो, किस मेथड को कहाँ हैंडल कर रहे हो, कहाँ थ्रोज एक्सेप्शन लगा रहे हो, कहाँ ट्राई कैच लगा रहे हो। ट्राई कैच का मतलब ये है कि वो वहीं पे ही पूरा हैंडल हो रहा है। जब आप थ्रोज एक्सेप्शन लगाते हो उसका मतलब ये है कि जो भी क्लास इस मेथड को कॉल कर रही है उसको इस मेथड को ट्राई कैच के अंदर हैंडल करना है। बस ये दोनों में सिर्फ यही फर्क है। ये वही वाली बात हो गई जैसे एब्स्ट्रैक्ट होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं तो कोई भी नॉर्मल क्लास जिस भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सटेंड करती है तो उसके ऊपर ये लाजिम हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट करे, राइट, उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करे ओवरराइड करके। ये भी इसी तरह है, अगर आप किसी मेथड के ऊपर थ्रोज एक्सेप्शन लगाते हो तो वो मेथड अगर कोई भी क्लास कॉल कर रही है तो उसके ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो इसको हैंडल करे, वो ट्राई कैच लगाए इसके ऊपर। अदरवाइज आप जो मेथड बना रहे हो उसके अंदर ही ट्राई कैच लगा दो, वो वही हैंडल हो रहा होगा तो बाहर वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ नॉर्मल यूज कर रहा होगा और कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, क्लियर टू यू ऑल गाइस? यस सर। ओके गुड। अच्छा, मीटिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, दूसरी मीटिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आप ये अपने पास लिख लो, तो फिर हम फाइनली को देख के फिर हम डीबी को थोड़ा सा देख लो। सर काफी है सर, मुझे नींद आई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये तो सिर्फ रिपीटेशन ही की हुई है मैंने अभी तक। आप फुरकान बोल रहे हो ना? जी।